ओके, इन दिस लेक्चर वी विल सी द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मोनोपोल एंटीना। तो यदि ये एक आइडियल मोनोपोल है तो इसमें रेडिएटिंग एलिमेंट का साइज कितना होगा, लैम्डा बाई फोर। ग्राउंड प्लेन का साइज कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। मोनोपोल और डाइपोल में क्या डिफरेंस है, डाइपोल बैलेंस स्ट्रक्चर है, मोनोपोल अनबैलेंस स्ट्रक्चर है। डाइपोल में डबल एंडेड सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर द मोनोपोल वी रिक्वायर ओनली सिंगल एंडेड सोर्स। दूसरी बात, डाइपोल के ऑपरेशन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, बेलन। बेलन क्या करता है, बेलन इस क्या करता है कि इट मैचेस द इम्पीडेंस ऑफ डाइपोल एज वेल एज कोएक्सियल लाइन। मोनोपोल में किसी भी तरीके के बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए, ये आपका एक डाइपोल एंटीना है। डाइपोल एंटीना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाइपोल एंटीना का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन जो कि ओपन सर्किटेड थी। तो ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को फ्लेयर करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो क्या बनता है, डाइपोल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ओपन एंडेड टर्मिनल है, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम क्या बोल सकते हैं, करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी और वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट द सेंटर करंट की वैल्यू मैक्सिमम और वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा, वोल्टेज मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए, करंट ज़ीरो, यहाँ करंट मैक्सिमम, ये करंट ज़ीरो। तो क्या ये जो बना हुआ है ये हाफ ऑफ द वेव है? यदि ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे देखिए, ये क्या ऐसा दिख रहा है क्या, ये टोटल लेंथ कितनी होती है, लैम्डा होती है, ये लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाई टू होती है। तो क्या ये जो वेव है इस तरीके से दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये जो डाइपोल का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द वेव लेंथ होना चाहिए। डाइपोल में, डाइपोल में देखिए, इस पॉइंट पे करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, यहाँ पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न कहते हैं। अच्छा, इस डाइपोल से मोनोपोल का फॉर्मेशन कैसे किया था, कि ये जो नीचे वाला पोल था इसको क्या किया था, ग्राउंड तक, ग्राउंड बना दिया था, और कहाँ तक एक्सटेंड किया था, इनफाइनाइट तक किया था। तो आप देखिए कि ये कोएक्सियल लाइन है, कोएक्सियल लाइन किसका एग्जांपल है, एग्जांपल है अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन का। कोएक्सियल लाइन का जो सेंट्रल कंडक्टर है वो रेडिएटिंग एलिमेंट से कनेक्टेड है, और जो आउटर कंडक्टर है ग्राउंड प्लेन से कनेक्टेड है। ये कैसा एंड होगा, ओपन एंड, ये देखिए ये वाला एंड, ये ओपन एंड। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे देखिए, जहाँ से फीड करते हैं वहाँ पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ से फीड किया है तो ये देखिए करंट मैक्सिमम है। तो आप इस वेव को देखिए, इस वेव, ये जो वेव है ये क्या क्वार्टर क्वार्टर ऑफ दी वेव है? बिल्कुल है, ये क्वार्टर ऑफ दी वेव है। तो इसलिए जो इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बाई फोर बोलते हैं। और ग्राउंड प्लेन का साइज़ यहाँ पे कितना है, इन्फिनिटी है। अब इसमें भी देखिए, ए पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ ए पॉइंट ओपन सर्किटेड पॉइंट है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बी पॉइंट पे करंट मैक्सिमम और वोल्टेज क्या होगा, मिनिमम होगा। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये भी आई जीरो वी मैक्स, यहाँ पे आई जीरो वी मैक्स, यहाँ पे आई मैक्स वी मिनिमम, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे भी आई मैक्स वी मिनिमम मिल रहा है। तो आप देखिए, कभी भी करंट जीरो हो तो वोल्टेज मैक्सिमम मिले, और करंट मैक्सिमा हो और वोल्टेज मिनिमम मिले, तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बोलते हैं। और ऐसा एंटीना जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न दिखाए उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट एंटीना बोलते हैं। तो डाइपोल एंटीना एग्जिबिट्स द स्टैंडिंग वेव पैटर्न। सो आई कैन से डाइपोल एंटीना इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंट एंटीना, एंड वी हैव मेड दिस मोनोपोल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डाइपोल स्ट्रक्चर, एंड दिस मोनोपोल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो एग्जिबिटिंग द स्टैंडिंग वेव पैटर्न। एट दिस पॉइंट करेंट इज ज़ीरो, वोल्टेज इज मैक्सिमम, एट पॉइंट बी
करेंट इज़ मैक्सिमम, वोल्टेज इज़ मिनिमम, सो आई कैन से देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न एंड योर मोनोपोल स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट इट्स अ रेजोनेंट एंटीना. वॉट इज़ द साइज ऑफ दिस रेडिएटिंग एलिमेंट इन द आइडियलिस्टिक कंडीशन? इट मस्ट बी लैम्डा बाई 4 एंड द साइज ऑफ द ग्राउंड प्लेन मस्ट बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोनोपोल एंटीना. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस ग्राउंड प्लेन. तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो ग्राउंड प्लेन है वो ग्राउंड प्लेन हमेशा, ये जो हमारा ग्राउंड प्लेन है, इस ग्राउंड प्लेन के देखिए क्या ये सबसे पहले देखिए मोनोपोल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है. इसका लेंथ कितना है? लेमडा बाई 4 है. ये आइडियल मोनोपोल है. ग्राउंड प्लेन जो है, ये ग्राउंड प्लेन की कुछ ना कुछ क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी. किसी भी मोनोपोल के बेटर ऑपरेशन के लिए, फॉर फेथफुल ऑपरेशन, द कंडक्टिविटी ऑफ द ग्राउंड प्लेन शुड बी वेरी वेरी गुड. तो इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है. अर्थ किसकी तरीके से बिहेव करती है? एज अ ग्राउंड प्लेन या कंडक्टर की तरीके से बिहेव करती है. ये भी, ये क्या है? इसकी लेंथ कितनी है? लेमडा बाई 4 है. ये मोनोपोल स्ट्रक्चर है. अच्छा देखिए, ये भी एक मोनोपोल स्ट्रक्चर है. ये क्या है? एक प्लेट है. तो प्लेट का कंडक्टिविटी भी होगा. ये प्लेट किसकी तरीके से बिहेव कर रही है? एज अ ग्राउंड प्लेन बिहेव कर रही है. तो आप देखिए, इन दोनों में से बेटर कंडक्टिविटी किसकी होगी? तो मेरा जवाब है, इस प्लेट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अर्थ. सो बेटर ऑपरेशन किस में मिलेगा? तो मैं कहता हूँ, इस वाले केस में मुझे बेटर ऑपरेशन मिलेगा. तो क्या कंडीशन समझ में आई? कि ये जो ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन की कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी वेरी गुड. बट आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि ग्राउंड प्लेन जो है वो एक कंडक्टिव नेचर का है, और ये जो एंटीना है, एंटीना इज़ एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दिस ग्राउंड प्लेन और कंडक्टर बिहेव्स एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगे, ये कंडक्टिंग प्लेन इसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. मीन्स ग्राउंड प्लेन का कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, एंड ये जो ग्राउंड प्लेन है, इट बिहेव्स एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस टू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द ग्राउंड प्लेन. अच्छा, ये जो ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन किसकी तरीके से वर्क करता है? दिस ग्राउंड प्लेन एक्ट्स एज अ मिरर. तो आपने कभी इमेज थ्योरी पढ़ा होगा. ये ग्राउंड प्लेन है. ग्राउंड प्लेन का पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो होता है. मान लीजिए इस ग्राउंड प्लेन के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज है. तो देखिए, इसका इमेज कैसे बनाते हैं. देखिए, ये यहाँ पे देखिए, एच हाइट पे प्लस क्यू चार्ज है. एच हाइट पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है. इसका इमेज बनाइए माइनस, प्लस क्यू का इमेज क्या? माइनस क्यू बना दीजिए. अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई एच. इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? माइनस के क्यू बाई एच. इस पॉइंट ए पर दोनों पोटेंशियल को ऐड करिए. दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? के क्यू बाई एच, और माइनस के क्यू बाई एच को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ज़ीरो. और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना था? ज़ीरो था. यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि कभी भी ग्राउंड प्लेन मिले और उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज हो, तो आप उसका इमेज डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? नीचे बना सकते हैं. तो ऐसे इस तरीके से हमने क्या कर लिया? इमेज बना लिया. तो इसी तरीके से माइनस क्यू का जो इमेज होगा वो कैसा होगा? प्लस क्यू होगा. तो माइनस चार्ज का इमेज क्या होगा? प्लस चार्ज होगा. अच्छा देखिए, इस वोल्टेज सोर्स का इमेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है, इसमें प्लस है, इधर माइनस है. तो देखिए, इस हाइट पर माइनस है, तो सेम हाइट पे क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे. और ऊपर प्लस है तो नीचे क्या बना देंगे? माइनस बना देंगे. आप मेरा एक वीडियो लेक्चर देख लेना, इमेज थ्योरी पर ही है. तो आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये एक कंडक्टर है, इसमें एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है. तो देखिए, इस हाइट पर क्या है? माइनस चार्ज है. तो सेम हाइट पर मैंने क्या बना दिया? प्लस चार्ज बना दिया. इतनी हाइट पर इस हाइट पर क्या है? प्लस चार्ज है.
तो इतनी ही हाइट पे मैंने क्या बना दिया, माइनस चार्ज बना दिया। आप देखिए करंट को मैंने यहाँ एज्यूम किया है माइनस से प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो करंट बनती है इसको इमेज करंट बोलते हैं। तो यदि आप देखिए कि कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर करंट का डायरेक्शन वर्टिकल है, ये कौन सा प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन। कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर करंट का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है, तो इसका इमेज करंट भी कैसा होगा, वर्टिकल होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये एक कंडक्टिंग प्लेन है और ये एक सिमिलर ऐसा एक कंडक्टर है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। प्लस का इमेज बनाइए माइनस, माइनस का इमेज बनाइए प्लस। करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, माइनस से प्लस, करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस बना दिया, तो इधर भी करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस बनाना पड़ेगा, इधर भी करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस बना दिया। तो आप देखिए करंट हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल करंट क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। ये जो इमेज करंट बन रही है इन दोनों में अपोजिट, दोनों का फेज कितना है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो वर्टिकल करंट का डायरेक्शन सेम, हॉरिजेंटल करंट क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो क्या हम इमेज थ्योरी को मोनोपोल के केस में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये देखिए एक सोर्स है, ये क्या है, ग्राउंड प्लेन है, ये सोर्स है, यहाँ से एक जो एंटीना कनेक्टेड है, ये जो रेडिएटिंग एलिमेंट कनेक्टेड है, इसकी लेंथ कितनी है, लैम्डा बाई फोर है। यदि लेंथ लैम्डा बाई फोर है तो मैं क्या बोलूँगा, ये एक मोनोपोल एंटीना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देखिए देखिए यहाँ पे इस हाइट पर, इस हाइट पर क्या है, माइनस है, तो सेम हाइट पे क्या बना दिया मैंने, प्लस बना दिया। ऊपर प्लस है तो इधर माइनस बना दिया। ये रॉड ऐसी है, ये रॉड नीचे की तरफ बना दिया। करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है, तो इधर भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस होगी। तो ये करंट और ये करंट, ये वाली करंट क्या होगी, इमेज करंट होगी। ये कौन सी करंट होगी, इमेज करंट। देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट कैसी है, वर्टिकल है, तो इमेज करंट भी वर्टिकल है, यहाँ पे भी आपने देखा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी मोनोपोल का, किसी भी मोनोपोल एंटीना का हम क्या बना सकते हैं, उसका मिरर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड प्लेन है वो एक मिरर की तरीके से काम करता है, और ये थ्योरी हम फ्रिक्वेंटली आगे चल के यूज़ भी करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मोनोपोल का हम क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, होपफुली ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कंडक्टिविटी, ग्राउंड प्लेन की कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ग्राउंड प्लेन किसकी तरीके से काम करता है, एज अ रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करता है, ग्राउंड प्लेन एज अ मिरर की तरीके से भी काम करता है। ये बहुत सारे केसेस आप रिवाइज करिए, देखिए ये आपके सामने मोनोपोल एंटीना, इसका इमेज बनाया है इस तरीके से। करंट का डायरेक्शन यदि वर्टिकल है तो इमेज करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल होगा। यदि करंट का डायरेक्शन हॉरिजेंटल है तो इमेज करंट अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, होपफुली आपको ये समझ में आया भी होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।